Sir, once you talked about the three levels of mind, that is आपकी जो स्टार्टिंग की जो होती है कि ऊपर का जो भी चल रहा है थॉट्स वॉट्स, उसके नीचे आपकी वृत्तियाँ आती हैं और उसके नीचे वो शांत वो बहुत जो स्थिरता है वो है। जब से मैं अपनी वृत्तियाँ देखने लग गया हूँ, जो लथार्जी है या फिर प्रोक्रास्टिनेशन है, तो मैं ये पाता हूँ कि वो वृत्तियाँ जब भी मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ वो और तेज़ वापस आती हैं। जैसे कि अगर मैं सोच लिया कि मैं लथार्जिक नहीं होऊंगा और मैं काम करूंगा, तो मुझसे वो काम अगर वैसे हो जाता है यूजुअली, वो वैसे भी नहीं होता। ये कौन कह रहा है कि मैं लथार्जिक नहीं होऊंगा? वृत्ति ईगो तो कह रही है, वृत्ति से लड़ते नहीं है, वृत्ति से लड़ा नहीं जाता। जानना काफी है कि ये वृत्ति है, क्योंकि वृत्ति से लड़ने वाली ये दूसरी वृत्ति बैठी होगी। इंटेलिजेंस नॉन डूअर है, वो कुछ भी नहीं करती तो लड़ेगी कैसे? इंटेलिजेंस इज अ नॉन डूअर, रिमेंबर दिस, इट डज नॉट डू एनीथिंग, इट ओनली नोज। ऑब्जर्व एंड इन दिस नोइंग द राइट एक्शन ऑटोमेटिकली हैपेंस। सर, आई डोंट नो सर, व्हाट राइट एक्शन दैट यू विल नॉट नो द राइट एक्शन। आई सेड ऑटोमेटिकली हैपेंस, यू विल नॉट नो, बिकॉज इफ यू विल नो देन इट इज हैपनिंग इन टाइम, इट इज हैपनिंग एज अ मैटर ऑफ प्लानिंग। आई फर्स्ट नो एंड देन द एक्शन हैपेंस, देन इट इज नो मोर स्पॉन्टेनियस एक्शन। ओके, यू आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड देन ऑब्वियसली एक्टिंग। ऑब्वियसली देयर इज नो स्पॉन्टेनिटी इन इट, एंड इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, सो नो एंड देन द स्पॉन्टेनियस हैपन, लेट इट एक्शन, लेट इट हैपन। सो व्हेन आई सी माय सेल्फ हैविंग दिस स्टूपिड अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग एंड रीजनिंग द सेम अर्ज दैट सीइंग इट वेदर इट कम्स आउट ऑफ माय वृत्तियां और इट कम्स आउट ऑफ इंटेलिजेंस, so I get confused because of the fact that I think that the mind is playing tricks on me. Since I know this fact, now the mind can actually is a very clever stuff that it can actually backfire the same thing on you. So how do you actually know that this? Never have a me. Whenever you will say that the mind is playing tricks with me, that me is again you know who. So never have a me in the picture. Observe the whole game. And don't be impatient. Don't be impatient. Don't be in an urge to act. Yes, I have this urge to don't, act. Whenever you'll have this urge to act, somebody will make a fool of you. Knowing is sufficient. Hold on to this. Knowing is sufficient. And after knowing, do not keep checking. Oh, is something happening or not? Knowing has happened. Now what is happening? Don't do that kind of thing. Just know. Just know and have faith. Just know and have faith. बस keep faith. It's all right. Have faith. I know, I understand. And in that moment, it becomes very difficult to resist some kind of reactionary action. Yes. You want to react. Now that I have known, I must act. No, there is no urgency to act. The action will happen. I'm not saying block the action, please. I'm not saying that either. I'm not saying that the action is about to happen and you stand in front of it, block it. No, don't block it, but don't push it either. Let it happen. Let it happen. When the questions arise, it's good. When the questions arise, know that the questions have arisen. If the question has any life, if the question has any value, then the answer will come. And if the question is just a meaningless kind of curiosity, then it will go away in some time. Sir, one of the videos that I saw was बात कर रहे थे कि आपके अंदर एक जैसे आपका दिमाग कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच में आपका एक वीडियो थी जिसमें आपने बताया कि आपको कंसंट्रेशन नहीं दिखना है, आपको डिस्ट्रैक्शन देखनी है कि आपका दिमाग बटा हुआ क्यों है। तो जैसे अभी तक जो मेरे समझ में मुझे आया है और जो भी मैंने समझा है वो ये है कि दिमाग तो चंचल है ही, वो तो भगेगा इधर से उधर, आपको बस ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कहाँ चंचलता है। लेकिन आपने उसमें बोल रखा कि अगर वो चंचल होता है तो उसके साथ जाओ, वरना पता कैसे चलेगा कि वो चंचल है। तुम यहाँ बैठे हो
वो अपनी चंचलता में भग गया तो तुम्हें पता कैसे चलेगा क्या कर रहा है। साथ जाओ का मतलब यही है कि कीप ऑब्जर्विंग। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो एक्ट करना चाहता है उसके साथ करो, जैसा मैंने कहा पढ़ाई। जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो अक्सर वो एक्ट करेगा ही नहीं जो करना चाहता है। एक बच्चा है वो भागा हुआ है, उसकी माँ उसके साथ साथ चल दी, क्या वो सारी वो बदमाशियाँ करेगा जो वो करता अगर वो अकेला होता? नहीं। Wherever the mind goes, don't try to stop it, but remain with it. By remaining with it, I mean that keep observing it. It doesn't mean that अगर उसका मन कर रहा है कि भाई यहाँ से उठकर वहाँ भाग जाओ तो आप जैसे आपके दिमाग में आया भागने स्टार्ट कर दिए। उसका मन कर रहा है भागने का और तुम देख रहे हो उसका मन कर रहा है भागने का, अब हो सकता है वो भगे ही ना। और अगर सही मन करे तो भाग जाओ। अब वो भग रहा है तो भी उसके साथ रहो, तुम्हारे साथ रहने से वो बदल जाएगा। द माइंड चेंजेस अंडर ऑब्जर्वेशन, रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू एक्ट। यस आई हैव सीन दैट इफ द माइंड इज अंडर ऑब्जर्वेशन इट चेंजेस। या जस्ट बी ऑब्जर्वेंट, रिमेन विद इट। एंड वन मोर थिंग दैट आई वाज टॉकिंग विद सारा कि तब मैं कुछ काम कर रहा होता तो मुझे वो फियर दिखता है, तो मैंने उससे पूछा था कि तो तुझे फियर आता है तो क्या होता है, तो कहती मैं ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैंने कहा लेकिन वो फियर वही तो काम चाहता है कि आप लिमिट कर जाओ अपने एक्शन को, कि आपको फियर आपको एक्शन से रोकता है। तो वो तो अपने काम में कर रहा है चाहे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसने फुल सीइंग की बात करी थी कि अगर फुल सीइंग में देखोगे तो फियर नहीं होगा, पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आती उसके बाद। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फियर से रुक करें, जैसे मुझे फियर आया मैंने उसको ऑब्जर्व किया, और अगर मैं उसका एक्ट ना करूं तो मैं फियर को अपना उसका काम करने दे रहा हूं, वो है कि आपको एक्ट करने से रोकना है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं या फिर मेरी अप्रोच ही गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बात समझना, फियर ऐसा नहीं तुम्हें एक्शन से रोकता है, फियर तुमसे एक्शन करवा भी तो देता है। कितने सारे लोग ऐसे ऐसे एक्शन कर जाते हैं फियर में जो वरना कभी करते ही नहीं। हाँ, फियर कुछ भी करवा सकता है, करवा भी सकता है, रुकवा भी सकता है, सोचवा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा काम इन सब चीज़ों पर ध्यान देना नहीं है कि नेक्स्ट क्या करेगा फियर। फियर है तो है, ओ फियर है, इट्स एक्चुअली सिंपल, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोइंग इज सफिशियंट, हैव फेथ। फियर है एंड आई नो फियर है, दिस इज सफिशियंट, हैव फेथ, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, यू डोंट नीड टू टेक 3 steps अहेड। मुझे लग रहा है जितना मैं जानता हूँ ऐसा लगता है मुझे अपना बाप बनना पड़ेगा, और उसकी प्रॉब्लम ये उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी मेरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती है, जो चीज़ मैं सोच रहा था कि अब सही हो रही है, फिर मेरे चीज़ें डगमगा जाती हैं। तुम कोशिश कर रहे हो ना कंट्रोल की। हाँ, हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल? ईगो। जो चीज़ कंट्रोल से बाहर जा रही है तुमने शांति से देख लिया ना कि इसका इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, अब वो मूवमेंट अपने आप बदलता है, प्रिडिक्टिबली नहीं बदलता, तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगा, पर कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा? वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेगा पर कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ये भी देखने वाली बात है। एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमको होता क्या है ना कि हम अगर कुछ ऑब्जर्व भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं अब ऑब्जर्व कर लिया इसका रिजल्ट कब मिलेगा, ऑब्जर्व कर लिया अब मेरे मुताबिक इसमें से फ्रूट कब मिलेगा मुझे। वैसे नहीं होगा, फ्रूट है पर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा, तुम्हारे सोचने सोचने से नहीं आएगा। सो नोइंग इज सफिशियंट, हैव फेथ, दैट फेथ इज एक्सट्रीमली वाइटल। फेथ सर, आपको याद है तो कनाडा की ट्रिप पे गए थे, आपने एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि तुम सारी बातें करते रहते हो, क्या तुमने खुद कुछ रियलाइज किया? और उस दिन सब चुप थे और मैं आपके साथ आपको पता है कि एक ही चीज़ मुझे पता है कि हाँ भाई अभी का टाइम है, अभी जो मूवमेंट होता है वही होता है और कुछ आगे होता नहीं। सर अगर मुझे इस बात पर भी फेथ है तो उतना चल जाएगा, क्योंकि सर अगर मैंने सोच ले के बारे में कभी पढ़ा नहीं है ना, कभी सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किस चीज़ पर फेथ है, तुम उसे क्या नाम दे रहे हो, नाम दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फेथ फेथ होती है। वो है फेथ का मतलब है एक आखिरी चीज है जो हिल नहीं सकती, फेथ का इतना ही मतलब है कि कुछ है ऐसा जो आखिरी है
जो हिल नहीं सकता, कभी वो ना ख़त्म हो सकता है ना उस पर कोई, वो है बस, वो नहीं हिलने का. आई कैन डिपेंड ऑन इट, इट्स कम्प्लीटली देयर, श्योर, एग्जिस्टेंट. ये फेथ है सर. ये चीज तो मैं किसी भी चीज के लिए नहीं, नहीं है फेथ. वो चीज नहीं होगी ना, इसीलिए बेटा जो भी चीज होगी वो तो हिली जाएगी. हाँ. तो फेथ बहुत एक हल्का सा भाव होता है, सूक्ष्म, क्योंकि चीज पर फेथ करोगे तो हर चीज हिलने के लिए तैयार बैठी हुई है, हर चीज आज है कल जाने के लिए रेडी है. इसीलिए फेथ किसी चीज पर नहीं हो सकती.